आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी उन्हें सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। वैसे तो बॉलीवुड में कई अभिनेता आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में अदाकारी से लोगों के दिलों में एक अलग ही पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में देकर बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी उन्हें सुपरस्टार का खिताब नहीं मिल पाया। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। 1960 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका करियर इतना तेजी से आगे बढ़ेगा। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को असली सफलता 1964 में जाकर मिलन की बेला और हकीकत फिल्म से मिली। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में वो केवल सपोर्टिंग रोल ही करते थे, लेकिन बाद में शोले, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, फूल और पत्थर, धर्मवीर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों से वह मशहूर हो गए। ये बात कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कुछ मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें लोहा और द बर्निंग ट्रेन जैसे फिल्में शामिल है, और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाने में सफल हुई थी। अपने करियर में धर्मेंद्र ने 238 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 74 फिल्में सुपरहिट दी। वहीं उनकी कई ऐसी फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर रही, जो बॉलीवुड इतिहास में किसी भी अन्य स्टार से काफी ऊपर है। पर इसके बावजूद भी धर्मेंद्र को सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। इसके विपरीत राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 42 हिट फिल्में दी, उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया गया। और आज अक्षय कुमार, सलमान खान, ऋषि कपूर, शाहरुख खान और विनोद खन्ना जैसे कई कलाकार को सुपरस्टार का दर्जा मिल चुका है। 80 से 90 दशक तक धर्मेंद्र की हिट फिल्में छोटे स्केल पर थी, जिसका मतलब था कि वो कभी भी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर नहीं रहे। लेकिन 90 के दशक के बाद धर्मेंद्र ने सपोर्टिंग रोल निभाने शुरू कर दिए थे और उन्हें लोग काफी पसंद करने लगे। कहा जाता है कि 70 के दशक के आते आते जब धर्मेंद्र की लोकप्रियता बढ़ने ही लगी थी कि अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया। हाल ही में कुछ समय पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने सपोर्टिंग रोल निभाया था और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आज 87 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र पर्दे पर तहलका मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा जी.com।